हेलो गाइस, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर को गाइस एक रिचार्जेबल मल्टीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। जनरली गाइस, जितने भी डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं उसमें 9 वोल्ट की जिंक और कार्बन की बैटरी यूज होती है। इस बैटरी की लाइफ ज़्यादा नहीं रहती गाइस, हार्डली ये 3-4 महीने चलती है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और गाइस मल्टीमीटर बंद पड़ जाता है या प्रॉपर रीडिंग नहीं दिखा पाता। ऐसे में गाइस हमें इसकी बार बार बैटरी चेंज करनी पड़ती है और काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। गाइस, इस मल्टीमीटर को गाइस बड़ी आसानी से आप रिचार्जेबल मल्टीमीटर में घर पर ही कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें गाइस ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक बार इसको कन्वर्ट करने के बाद कई दिनों तक आप इसको चला पाओगे और गाइस इसमें बैटरी चेंज करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस, इस नॉर्मल मल्टीमीटर को रिचार्जेबल मल्टीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है फुल डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने बताया। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और गाइस चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, जल्दी से इस नॉर्मल मल्टीमीटर को रिचार्जेबल मल्टीमीटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर गाइस, जिसको हम रिचार्जेबल मल्टीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी ये ऑन हो चुका है और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का सिंबल आ रहा है गाइस। यानी गाइस इसमें जो बैटरी लगी है वो डाउन हो चुकी है, इसकी वजह से ये बैटरी का सिंबल यहाँ पर दिखा रहा है। और गाइस जैसे इसके प्रॉप को मैं शॉर्ट करता हूँ तो इसका बजर का जो साउंड है वो भी बहुत कम हो गया गाइस बैटरी लो होने के कारण। तो इसको हम रिचार्जेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे गाइस हम इसको रिचार्जेबल में कन्वर्ट करेंगे, वैसे एक बार इसकी बैटरी चार्ज होने पर कई हफ्तों तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकोगे। तो चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं गाइस। इसके प्रॉप को मैं निकाल के इसको, इसका पीछे का जो पैनल है गाइस, चलिए इसको बंद भी कर देता हूँ एक बार मैं। उसका जो पीछे का कवर है गाइस उसको हमें खोलना पड़ेगा। देख सकते हैं पीछे में गाइस 3 स्क्रू दिए गए हैं, टॉप पर 2 स्क्रू है और बॉटम में 1 स्क्रू है। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देख सकते गाइस ये है इसका मेन पीसीबी, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है गाइस। और गाइस ये है बजर और गाइस ये है इसकी बैटरी, देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी बैटरी है। पीक पावर लिखा है, हेवी ड्यूटी बैटरी। तो गाइस ये बैटरी डाउन हो गई है, इसके कारण हमारा जो मल्टीमीटर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो गाइस इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिचार्जेबल में। तो चलिए सबसे पहले इस बैटरी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। वैसे गाइस ये 9 वोल्ट की बैटरी है, देख सकते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट लिखा है। तो चलिए अभी इसका वोल्टेज देख लेते हैं, अभी इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मल्टीमीटर को मैंने 20 डीसी पे सेट कर दिया है। मेरे पास और एक मल्टीमीटर है गाइस एडवांस में, मैंने एक रखा था अपने पास। तो चलिए देखते हैं इसका वोल्टेज। तो देख सकते हैं गाइस 6.55 वोल्टेज शो कर रहा है। यानी गाइस हमारा जो मल्टीमीटर है इसको रन होने के लिए 9 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी बैटरी का वोल्टेज डाउन हो गया गाइस, इसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर रीडिंग भी शो नहीं कर रहा है गाइस। गाइस इस नॉर्मल मल्टीमीटर को रिचार्जेबल मल्टीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गाइस हमें कुछ इन सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक एक कंपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये है 18650 लिथियम आयन सेल 3.7 वोल्ट। गाइस इस सेल को मैंने पुराने जो लैपटॉप की बैटरी रहती है उसमें से मैंने निकाला है। इसमें आप नया सेल भी यूज़ कर सकते हो, आपको नया सेल बड़ी आसानी से लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल को चार्जिंग करने के लिए मैं TP4056 लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इसको भी गाइस मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, 30 रुपीज़ का एक मॉड्यूल मुझे मिला है गाइस। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं और एक कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं। गाइस हमारा जो मल्टीमीटर है उसका वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 9 वोल्ट और गाइस इस सेल से हमें 3.7 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। इस वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए गाइस मैं कुछ इस तरह के बूस्टर मॉडल का यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर MT3608 इसका मॉडल नंबर है गाइस। इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, ये भी मुझे 100 रुपीज़ का मिल गया गाइस। इसके बाद गाइस इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरह का एक डीसी जैक यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट टाइप सी में ये जैक है गाइस। ये जो सारे कंपोनेंट है गाइस बड़ी आसानी से आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से गाइस इसके अभी इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस बैटरी के कनेक्शन हमारी इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कर देते हैं। तो एक बार मैं इसके कनेक्शन आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं गाइस B+B- लिखा है। तो सिंपली गाइस बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है गाइस यहां पर B+ पर शोल्डिंग कर देना है और इस बैटरी का जो ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट है गाइस यहां पर B- पर शोल्डिंग कर देना है। देख सकते हैं यहां पर B- लिखा है, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। देख सकते हैं यहां पर B- लिखा है, इन दोनों पॉइंट पर इनको शोल्डिंग कर देना है। तो चलिए जल्दी से इनको मैं यहां पर शोल्डिंग कर देता हूं।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के कनेक्शन हमारे जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसके साथ हो गए हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इस पर आउटपुट के दो कनेक्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आउट पॉजिटिव और गाइस आउट नेगेटिव। ये जो दोनों पॉइंट है गाइस हमारे जो वोल्टेज बूस्टर है इसके दोनों पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दो पॉइंट दिए गए हैं, वी इन पॉजिटिव वी इन नेगेटिव, इन दोनों पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है। पॉजिटिव वाला पॉइंट है गाइस इसके पॉजिटिव पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है वोल्टेज बूस्टर के, और इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है गाइस वोल्टेज बूस्टर के नेगेटिव वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाइस। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसके कनेक्शन वोल्टेज बूस्टर के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद गाइस ये जो चार्जिंग जैक है इसके लिए गाइस हमें यहाँ पर होल करना होगा, हमारा जो मल्टीमीटर है उसके इस वाले साइड पर हमें होल करना होगा इसको लगाने के लिए। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये लगने वाला है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग जैक भी अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स हो रहा है, तो चलिए इसको सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर देते गाइस, चिपका देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्जिंग जैक है गाइस वो भी अच्छी तरह से सुपर ग्लू से स्टिक हो चुका है। तो चलिए गाइस सारे कंपोनेंट जितने भी अभी यहाँ पर हमने कनेक्शन किए इस कंपोनेंट को भी यहाँ पर चिपका देते हैं, और गाइस इस वाले मॉड्यूल को भी यहाँ पर चिपका देते गाइस। लेकिन गाइस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गाइस जो चार्जिंग जैक है गाइस उसके कनेक्शन यहाँ पे इनपुट वाले पॉइंट पर करना होगा। जो TB4056 मॉड्यूल है गाइस यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं इनपुट के लिए, देख सकते हैं ये पॉजिटिव पॉइंट है और गाइस ये नेगेटिव पॉइंट है। ये गाइस चार्जिंग जैक के जो वायर है गाइस इन दोनों वायर को गाइस इन दोनों पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हमारा जो बूस्टर है वोल्टेज बूस्टर उसमें से भी दो पॉइंट यहां पर निकले हैं आउटपुट के लिए, देख सकते हैं गाइस वी आउट नेगेटिव वी आउट पॉजिटिव। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं पहले जो बैटरी कनेक्ट थी ये वाली जो 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट थी गाइस, तो यहां से इसको कट करके इन दोनों पॉइंट पर इनको शोल्डिंग कर देना है गाइस। लेकिन गाइस शोल्डिंग करने से पहले इनका वोल्टेज हमें सेट करना होगा, यहां पे देख सकते हैं यहां पर पोटेंशियोमीटर दिया गया है। तो गाइस यहां से हम एक पहले 9 वोल्ट सेट कर देते हैं इसके लिए, तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को गाइस मैंने DC20 पे सेट कर दिया है, तो देखते हैं आउटपुट में अभी कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस 12.11 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है गाइस, 12.11 वोल्ट, यानी गाइस इस वाले वोल्टेज पर गाइस जो हमारा मल्टीमीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए इसका वोल्टेज डाउन कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं अभी गाइस कितना वोल्टेज आ रहा है, तो देख सकते हैं गाइस 9.04 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, यानी गाइस अभी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, इससे गाइस हमारा मल्टीमीटर ख़राब नहीं होगा। तो चलिए गाइस अभी बैटरी जो है इसको सबसे पहले यहाँ पर स्टिक कर देते हैं। तो गाइस बैटरी भी अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिक हो गई है, तो चलिए बाकी कनेक्शन अभी इसके कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस ये जो सर्किट है इसको भी गाइस हॉट ग्लू गन से इसको अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर देते हैं गाइस, अदरवाइज ये ऐसे बाहर आ सकता है। तो गाइस सर्किट भी अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिक हो चुका है, तो चलिए गाइस बारी है अभी इसके पैकिंग की, इसको पैक कर देते हैं। सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका पीछे का पैनल है उसको भी अच्छे से यहाँ पर पैक कर देते हैं गाइस, उसके बाद करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो चलिए इसको मैं फटाफट पैक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिचार्जेबल मल्टीमीटर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं इसको चार्जिंग करके दिखाता हूँ ये चार्ज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए केबल को यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो चलिए अभी स्विच को ऑन करता हूँ। देख सकते हैं गाइस जैसे मैंने स्विच को ऑन किया अभी देख सकते हैं अंदर रेड कलर का इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, यानी गाइस अभी ये चार्ज हो रहा है। तो देखिए मैं स्विच को ऑफ करता हूँ गाइस अडाप्टर की स्विच को, वैसे ही रेड कलर का इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं ऑफ हो गया, यानी गाइस हमारा ये जो चार्जिंग सिस्टम है ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो गाइस अभी देखते हैं मल्टीमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें रीडिंग्स प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही वो चेक कर लेते गाइस। तो चलिए यहाँ पर प्रॉप को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, तो कनेक्ट हो चुकी है गाइस प्रॉप। तो चलिए मल्टीमीटर को अभी ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको,
देख सकते हैं प्रॉपर इसमें रीडिंग आ रही है गाइस, अभी इसमें बैटरी का सिंबल नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है अभी वर्किंग में है। तो चलिए अभी कुछ यहाँ पर चेक करके देखते हैं इसकी रीडिंग प्रॉपर आती है कि नहीं आती है। तो गाइस सबसे पहले इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करेंगे। तो चलिए इसको मैं बजर मोड पर सेट कर देता हूँ, देख सकते हैं बजर मोड पर अभी सेट है। यहाँ पर गाइस ये प्रॉप शॉर्ट है आपस में, इसकी वजह से बज रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार, मैं इनको शॉर्ट करता हूँ। देख सकते हैं गाइस अभी बजर का साउंड आ रहा है, यानी कि बजर सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए गाइस बैटरी का वोल्टेज माप के देखते हैं इसमें, वो वोल्टेज प्रॉपर ये मेज़र कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलिए इसको DC 20 पे सेट कर देता हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक पावर बैंक प्लस बैटरी है, इसको गाइस मैंने घर पर ही बनाया है। इसका मेकिंग वीडियो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हैं ये पावर बैंक भी है गाइस, यहाँ से फ़ोन चार्ज होता है। और गाइस यहाँ पे इसका इंडिकेटर वगैरह है, और गाइस यहाँ से ये बैटरी चार्ज होती है। ये पावर बैंक और बैटरी दोनों है गाइस। तो चलिए आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लेते कितना आ रहा है इसमें। देख सकते हैं गाइस इसमें वोल्टेज 11.55 यानी शो कर रहा है। तो चलिए कुछ और बैटरी का इसमें चेक कर लेते हैं, और भी मेरे पास बैटरीज है गाइस, देख सकते हैं बैटरी बैंक बना है। तो अभी 3.7 वोल्ट चेक करेंगे इसमें, तो चलिए उसको भी चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं गाइस 3.74 यहाँ पर शो कर रहा है, यानी गाइस हमारा जो मल्टीमीटर है वो प्रॉपरली वर्किंग है गाइस, अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। इसमें गाइस अभी बार बार बैटरी चेंज करने की झंझट नहीं आने वाली है, एक बार इसको चार्ज करने पर कई हफ्तों तक ये चलने वाला है। क्योंकि गाइस इसमें हमने जो बैटरी लगाई है लिथियम आयन, वो 3000 mAh की है। एक बार उसको चार्ज कर दोगे तो गाइस कम से कम ये 3-4 हफ्ते तो आराम से चलने वाला है। और गाइस बैटरी जैसे ख़त्म हो जाएगी तो बैटरी चेंज करने की नौबत नहीं आएगी, यहाँ से आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये मल्टीमीटर कन्वर्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और गाइस ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइस ये वीडियो अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नए ऐसे टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।